बड़ी जानकारी आपको दे दें, निर्भया केस में बड़ी खबर आ रही है, दोषी विनय की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने दोषी विनय की याचिका खारिज कर दी है। निर्भया केस में बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोषी विनय की याचिका खारिज हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोषी विनय की दिमागी हालत को ठीक माना है। बहुत बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। इससे पहले एपी सिंह जो कि दोषी विनय के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि अगर दिमागी हालत ठीक मिली तो वो वकालत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा अपडेट है, पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट में दोषी विनय की दिमागी हालत ठीक बताई गई है, कोर्ट का यह कहना। वहीं निर्भया की मां आशा देवी का इस पर क्या कुछ कहना, ये सुन लेते हैं। देखिए, उनका कोई इलाज का कोई कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढीले करने की कोशिश थी। इनका एक नया पैंतरा था, कोर्ट ने में आज खारिज हो गया, क्योंकि जो टाइम मिल रहा है मुजरिमों का, जो भी रेमडी है करने के लिए, उसको ये लॉस कर रहे हैं खाली इधर उधर जाके। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को समझ आ रहा है, आज सब लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने आज, इनको 7 साल बाद इनकी अपनी माँ और पत्नी या बहन याद आई, वो भी बच्ची किसी की बहन बेटी थी, अब मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, लेकिन 7 साल से कोटो कोट धक्का खा रही हूँ। तो मैं कल भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि इनको सच्चाई समझ लेनी चाहिए। कोर्ट को तो अब समझ आ गया। दोषियों के वकील एपी सिंह का क्या कुछ कहना, ये सुन लेते हैं। आंखें दी गई हैं, हमने कहा कि उन आंखों को बुलाइए, क्या फायदा, आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी में हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर आ रहा है, सिर फटा हुआ है, पट्टियां बंधी हुई हैं, उसे 4 लोग पकड़े हुए हैं, 4 लोग पकड़ के आ रहे हैं, वही तो मैं मांग रहा था, वही तो मैं मंगवा रहा था, वही तो आनी चाहिए। बाद उन्होंने ये फैसला दिया, वो नहीं सीसीटीवी, हमें कहां कॉपी सप्लाई की गई, आपको सप्लाई मिली, मुझे कॉपी मिली, एप्लीकेशन मेरी, कन्विक्ट मेरा, फांसी पे लटकाने विनय को जा रहे हो तो उसके एडवोकेट को कॉपी नहीं दोगे। जब मैं खुद गया हूँ, मैं खुद उसका साक्षात गवाह हूँ कि मैं देख के आ रहा हूँ अपनी आंखों से, और जेल वाली आंखों में रिकॉर्डिंग करवा के आ रहा हूँ।